हम लोग साथ में बचपन में हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, बातें करते थे। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा तू इतनी जल्दी जा रही है मेरे से दूर। तू मैं तुझे कितना मिस करूँगी, तुझे अंदाजा भी नहीं। बचपन से हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से झगड़ते थे, वो दिन सारे मिस करेंगे हम दोनों। आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो कहना चाहूँगा कि यार मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी एक बहन हो, मतलब हम दो भाई हैं पर मैं चाहता था कि मेरी एक बहन हो जिससे मतलब मैं सारा प्यार कर सकूँ। वो बहन मैंने थे, मेरी बहुत सारी बहनें हैं पर जितना लगाव प्यार एक बड़ी बहन की तरह मैंने तुझे देखा मैंने आज तक तुझे कभी बताया नहीं। और जितना प्यार तू मेरे से करती है ना उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैं तेरे से करती हूँ। तू मेरे लिए वर्ल्ड बेस्ट सिस्टर है। खैर हम एक साथ तो कभी रहे नहीं, अब तेरी शादी हो रही है इतना फ़र्क मुझे घंटा नहीं पड़ता, लेकिन ये है ना कि भाई जिससे हम मिला करते थे तो दिल्ली आए, तेरी जॉइनिंग भी दिल्ली में हो गई, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी तो फिर आ जाती अभी मैं आपके नहीं जा सकता, वो भी नहीं हो पाएगी। अब तेरी शादी होगा भाई सिंगापुर वाले से, अब तो सिंगापुर पहुँच जाएगी।
ऐसा होता था, कभी तू मेरे को सपोर्ट करती थी, कभी मैं तेरे को सपोर्ट करती थी, तू तो मेरे को कम करती थी लेकिन मैं हमेशा तेरा सपोर्ट करती थी, कभी तेरा ये कभी वो, हमेशा मैं तेरे को पापा से बचाती थी, मम्मी से बचाती थी, हमेशा मैं तेरे को सपोर्ट करती थी। तूने भी किया है बहुत बार, जैसे मुझे कम मार्क्स आते थे तो तू बोलती थी कि ठीक है कोई नहीं नेक्स्ट टाइम अच्छे ले आना, कभी मेरे को क्रॉस लग गया किसी सब्जेक्ट में तू बोलती थी ठीक है ना कर लेंगे, उतना क्या है सब्जेक्ट ही चेंज कर दो। तो वो सब बातें हैं हमेशा मेरे को याद आती रहेगी, और ये मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हम दोनों अलग हो जाएंगे, लाइक मतलब पहले जो हम थे एक दूसरे का हमारा बॉन्डिंग वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा अभी होके। पता है पर तेरे को एक चीज़ याद है कि जब आज से 7 साल पहले जब 2014 में हम लोग मिले थे तो मैंने एक बात बोली थी, मतलब मैंने भी कही थी और विशेष ने भी कही थी कि जब तू अभी शादी मत करियो, आज से 10-20 साल बाद शादी करियो, जब हम पैसा कमाएंगे ना तो सब मिलकर तेरा दहेज देंगे। तो वो तो खैर नहीं हो पाया, शादी तेरी जल्दी हो गई, पैसा तो हम दे नहीं पाए तेरे को, पर कोई नहीं इस चीज़ को आज तक शादी में पूरा कर देंगे। पर एक चीज़ ये है कि तेरे से बहुत हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तू, और ये है कि इस चीज़ को मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जब भी तेरे को बीमार होती है तभी तुम्हारे घर आती है और बाकी तो पूछती भी नहीं है यार हमें, तो आगे से मत कर, तो आगे से यार ये मत करियो ठीक है। और हाँ, जो शादी में जितनी भी कमियां रह गई हैं तो मैं अपनी शादी में पूरी करूँगी। और हाँ, सबसे मेन बात ये है कि तू मेरे को सपोर्ट करती थी, अब मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई होगा नहीं। हुसना दे बाद जान होर चमकारे विच घर बेद लक जदो मारदा हुलारे थोड़ा शर्मावे जदो नैन मिलावे, थोड़ा शर्मावे जदो नैन मिलावे, ओनू पंगड़ा पौण नू आख दियो दिल लैगी कुड़ियो। हे केम छो मजा मा छो? बेटी के लिए मैं यही संदेश दूंगा कि जीवन में अपने उन्नति के करने के लिए कभी पीछे नहीं ताकना है और हमेशा वो आगे बढ़ने के लिए चाहे कितनी भी समस्याएं आए उन समस्याओं को सॉल्व करते हुए या उन समस्याओं को पार करते हुए अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करे, और यह चीज उसके अंदर है। अंदर वो चीज था, ये मुझे याद है कि वो 5वीं क्लास में थी तो उसको मैथ में किसी टीचर ने 0 नंबर दे दिया था और उसने चैलेंज की पापा हमको 0 नंबर की कैसे हिम्मत हुआ टीचर को देने का। तो मैंने कहा कि यार तुम एग्जाम नहीं दी होगी लेकिन, और आश्चर्य कीजिएगा कि अगले साल वो पूरे नवोदय कम्पीट की और बांका जिला में 9वां स्थान प्राप्त की और मैथमेटिक्स में उसको 100 में 100% मार्क्स आया था। ये उसकी तो उसकी जज्बा है और उस जज्बे को मैं हमेशा विकास करने में सहायता किया और नतीजा हुआ कि आज वो एक शिक्षित
पढ़ी लिखी लड़की के रूप में आपके सामने रहा है। भारत के युवा वर्ग को ही मैसेज दे रहा हूँ कि कभी भी लड़कियों को कमजोर नहीं समझा जाए और लड़कियों को उत्साहित किया जाए तो शायद अपने वो मर्दों के बराबर हो सकती हैं और उसे आगे भी बढ़ सकती हैं। मैं सुदीप जी से भी कहूँगा कि वह अपनी सौम्या को अपनी पत्नी की तरह नहीं बल्कि एक जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने में सहयोग करने वाली एक सहायिका के रूप में उसका उपयोग करें, उसके साथ रहें तो दोनों का जीवन अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। दिल नु संभाल हुण की सोचे हो गई पराई नीलू रब ने बनाई रीत की सोचे ओ चली ससुराल नीतू दिल नु संभाल हुण की सोचे जो हंजू रोक ले लाडो मेरी अखियां जो हंजू रोक ले हेलो परलदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देते हुए आपको एक बात अपने दिल की बहुत करीबी बात बोलना चाहता हूँ। जब तक दादी ज़िंदा थी, इस दुनिया में थी, तो हमारा और आपका जो बॉन्ड था बहुत ज़्यादा अच्छा था और मैं आपसे हर बातें शेयर कर लिया करता था। बट उसके बाद से चीज़ें कुछ ऐसी सिचुएशंस ऐसी बनी जिससे हमारे बीच थोड़ी डिस्टेंस आई, बट मेरी फीलिंग्स आपको लेकर वही रही, कॉन्स्टेंट रही। तो और अब हम अपने पैरों पे खड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा फ्यूचर हमारे पास से डिसाइड नहीं होना चाहिए। और मैं ये चाहूँगा कहना कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो एक कॉल पे मैं आपके पास खड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं भी अब उस मुकाम पर हूँ।
सो अब ये पार्ल के तो बहुत बात बोल ली हमने, अब थोड़ी जीजा जी के लिए बोल देते हैं। जीजा जी को मेगा सपोर्ट करेंगे आपको हम। अब मुझे पता है कि आपकी मेरी लड़ाई भी हो गई थी कुछ दिन पहले, शादी से पहले, मुझे पता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, उसी को बुला दिया जाए। और आगे अब जब नए रिलेशन में आ गए, नया जीवन स्टार्ट हो रहा है, तो अगर पारुल के लिए मैं भाई हूँ तो आपके लिए मैं हर तरीके से खड़ा हूँ। जीजू से मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, चलो भाई ने जो भी बात बोली वो अब आपकी हो चुकी है, उसका सही उसका गलत डिसाइड करने वाले सिर्फ आप ही हैं। जो भी आपका आपकी सोच होगी वही उसके लिए सही होगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लें, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उस हर डिसीजन में पारुल को अपने साथ रखें, उसकी राय भी ले जाए, दोनों मिलकर जो डिसाइड करें वही हो, इससे एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बनती है और ट्रस्ट बनता है और रिलेशनशिप अच्छी चलती है। क्योंकि हम तीनों अपनी बहन से बहुत सगी बहन तो नहीं है हम तीनों में से किसी की, इसलिए हम चाचा और मामा की लड़की से इतना प्यार करते हैं। अब पारुल से जो रिश्ता रहा है वो किसी से नहीं रहा, तो बस हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप और आपकी धर्मपत्नी होने वाली, हो सकता है जब आप वीडियो देखें तब तक धर्मपत्नी बन चुकी होंगी, आप बन गई हैं, अब लगा लीजिए आप दोनों बैठ के देख रहे हैं, तो खुश रहिए। और आप लोग हमसे बड़े हैं, आप अपना आशीर्वाद भी हम तीनों को बनाए रखिए और हमसे हमेशा कॉन्टैक्ट में रहिए। बस इतना ही कहना चाहते हैं आप दोनों। शुक्रिया है वे तेरे भर का वे साजन मिले मेहंदी दिया राता मेरे शगना दे बाता मैनू साजन मिले साजन मिले शगना दी रात सजे मेहंदी वाले हाथ मैनू साजन मिले साजन मिले
कमरिया कमरिया करेला पालो चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग जी भर के ना चले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल सूचना जनहित में जारी जिसको अपनी जान प्यारी चुपचाप को फ्लोर पे आके नाचे गाए नखरे वखरे ना दिखाए शर्म को करते बाय बाय माइकल जैक्सन वाले दो तीन एक्शन करके दिखाए पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे से नहीं करेंगे हम हैं बेटे हम बाकी सारे पानी कम हमें रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम मस्ती है माहौल में चाहे कुमारी है सारे तक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है अरे पंगा तो कोई शुरू करे अपनी भी गरारी है जुम्मी चुकी नोक पर रखी दुनिया सारी है रखी दुनिया सारी है अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए मिलने नो किन नदिल दे मिला ले
Jason.